Hello friends, and welcome to all of you to the yet another session by Taxation Insight. और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ सैलरी। सैलरी के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सैलरी, ये जो पूरा वीडियो है, ये पूरा वीडियो सैलरी एम्प्लॉइज के लिए बहुत यूजफुल है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन लाइक CA फाइनल और CA इंटर, देन दिस वीडियो इज ऑल्सो वेरी यूजफुल टू यू एज वेल। सो नाउ लेट्स सी एंड व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस वीडियो। एज फर्स्टली वी सी द अलाउंसेस, देन वी विल सी द कपल ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव सैलरी एंड प्रोविडेंट फंड। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो सैलरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बीइंग अ सैलरी एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी में क्या होता है, बीइंग अ सैलरी एम्प्लॉय हम लोगों को ये सारी कैलकुलेशंस का पता होना चाहिए कि किस में क्या होता है। कि जब भी हमारी टैक्स कंपटीशन शीट बन कर आती है विच इज़ मेड बाय द एम्प्लॉयर, देन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से टैक्स का कंपटीशन हुआ है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अलाउंसेस बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं, कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो पार्शली टैक्सेबल होते हैं, पार्शली एग्जेम्प्ट होते हैं। कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा पार्शली एग्जेम्प्ट और फुली एग्जेम्प्ट। तो ये एक लिस्ट है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। इस लिस्ट में जितने अलाउंसेस मेंशन है, दीज आर पार्शली एग्जेम्प्ट और फुली एग्जेम्प्ट। रेस्ट जितने भी अलाउंसेस हैं आपके, वो सारे टैक्सेबल होते हैं। सो नाउ क्विकली लुक इनटू इट, व्हाट आर दी वेरियस अलाउंसेस। फर्स्टली वी सी द फुली टैक्सेबल लिस्ट। फर्स्ट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, देन डियरेंस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन लंच डिनर अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, वार्डन्स अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके, पार्शली टैक्सेबल दीज आर हाउस रेंटल अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस की एक लिस्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कौन कौन से अलाउंसेज हैं विच आर पार्शली टैक्सेबल और पार्शली एग्जेम्प्ट। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में जो अलाउंसेज टू हाई कोर्ट जजेस, अलाउंसेज पेड टू UNO, कंपनसेटरी allowances received by judges and allowances granted to government employees outside India. So, एक एक करके हम allowances को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला important allowance है, that is house rental allowance, HRA जिसको हम बोलते हैं। HRA को समझने के लिए, HRA की exemption निकालने के लिए कि कितना अमाउंट की, HRA एक ऐसा अलाउंस है जो कि पार्शली टैक्सेबल होता है और पार्शली एग्जेम्प्ट होता है। तो लेट्स सी कि कौन सी पार्शली एग्जेम्प्ट बेसिकली हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके दो क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले HRA की एग्जेम्प्शन निकालने के लिए आपको देखना होगा कि आप किस एरिया में बेसिकली रहते हैं। फर्स्ट, वेर आइदर यू आर इन मेट्रो सिटी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, या किसी अदर ऑफिस में या किसी अदर सिटी में आपका ऑफिस है। तो कहाँ आपका ऑफिस है बेसिकली वो देखा जाएगा, आपका रेजिडेंस देखा जाएगा, कौन सी सिटी में बेसिकली आपका रेजिडेंस है। ठीक है, तो अगर आपके मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन चार मेट्रो सिटीज़ में अगर आपकी रेजिडेंस है, तो अब रेजिडेंस बेसिकली जहाँ पे आप जिस हाउस के लिए आप HRA क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, वो हाउस की लोकेशन क्या है, दैट वी नीड टू सी। सो HRA फर्स्टली लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्ट। फर्स्ट वन इज HRA एक्चुअली रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ऑफ रेलिवेंट पीरियड, 50% ऑफ सैलरी ऑफ रेलिवेंट पीरियड। यहाँ पे रेलिवेंट पीरियड का मतलब है वो पीरियड जब आपकी अकोमोडेशन जिसके लिए आप HRA क्लेम कर रहे हैं, दैट इज ऑन रेंटल, वो पीरियड जिस पीरियड के लिए आपका अकोमोडेशन जो है या जो आपकी प्रमाइसिस है वो रेंटल बेसिस।
ठीक है, वो पीरियड आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। अदर सिटीज़ के लिए एच आर एक्चुअली रिसीव, ये दोनों कंडीशन सेम रहेंगी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द रेलिवेंट सैलरी। बस यहाँ पे जो छोटा सा चेंज है वो 50% का 40% हो जाता है व्हेन यू आर इन द अदर सिटीज। इसका पर्पज़ क्या है कि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे किराया थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ गिवन दिस रिलैक्सेशन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज़ एग्जेम्पशन इज़ नॉट अवेलेबल टू एसएससी हू लिव्स इन ओन हाउस। अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं तो आपको एच आर ए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इन एच आर ए इज दैट योर हाउस शुड बी ऑन रेंटल बेसिस। नो एग्जेम्पशन इन केस एसएससी हैज नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। अगर आपने रेंटल एक्सपेंडिचर इनकर ही नहीं करा है तो आपको एच आर ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, डेरेंस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो आपकी सैलरी में बहुत सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस, एलपीए और भी अलग अलग टाइप के आपको अलाउंसेस प्रोवाइड करता है। उसमें से आपको कौन सा सैलरी का कॉम्पोनेंट लेना है, एक तो बेसिक सैलरी प्लस डेरेंस अलाउंस लेना है, एंड if there is allowance if in terms of employment and fixed percentage of if you receive commission as well as a fixed percentage of turnover. So ye teen component ki aapko apni salary mein consider karne hain for the purpose of HRA. Moving forward ek chhota sa and it is important, relevant period means the period during which this said accommodation was occupied by SSC during the previous year. As मैंने बताया कि relevant period वो period होगा जब आपने accommodation को occupy किया, उस period की accommodation, उस period को consider करा जाएगा जब आपने accommodation जो है rental basis पे occupy किया। छोटा सा illustration है, ये illustration मैंने अपनी एक पूरी HRA पे complete, मैंने video भी upload करा हुआ है, वो वीडियो में मैंने पूरे प्रॉपर एक्सप्लेन करा है। तो आई मस्ट एनकरेज यू टू यू नो यू रेफर दैट एचआरए वीडियो एज वेल इफ यू वांट टू डिटेल मोर डिटेल इन मोर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द एचआरए। सो नाउ लेट्स सी मूविंग फॉरवर्ड, फॉलोइंग एक्सपेंसेस और अलाउंसेस आर नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ परक्विजिट बट स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंसेस ओनली इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी ऑफ एन duty of an office or employment, that is expense should not be made for personal purpose. Further there is no limit on the specified expenditure. तो मतलब ये जितने भी expenses हम लोगों को given है, ये 6 के 6 expenses में कोई limit नहीं है, provided वो totally business purpose के लिए होना चाहिए, personal purpose के लिए नहीं होना चाहिए। तो कोई भी limit law में define नहीं, जितना भी आपको allowance मिलेगा और जितना आप actually expand करोगे, suppose 1500 अलाउंस मिलता है आपको एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस और आपका एक्चुअल खर्चा भी 1500 ही है, तो इंटायर अमाउंट विच एवर यू इनकर इज एक्सपेंस। अगर 1500 आपको डेली अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और उसमें से आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज ओनली 1000, देन 500 वुड बी टैक्सेबल। तो जितना एक्चुअल आपको अलाउंस मिल रहा है, जितना एक्चुअली इनकर कर रहे वो पूरा का पूरा अलाउंस जो है आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं है इन अलाउंसेस में। तो कौन कौन से लिस्ट है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, अलाउंस ग्रांटेड टू एनकरेज एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग परसुइट्स ऑफ द एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये 6 अलाउंसेज ऐसे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्चुअली एक्सपेंड जो आपका अलाउंस है वो इनकम होना चाहिए, प्लस वो बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट वी नीड टू रिमेंबर। नाउ लेट्स सी द फ्यू स्पेशल अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट टू सर्टेन लिमिट। तो लॉ में इसकी कुछ लिमिट डिफाइन की गई है और ये अलाउंस इस लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला स्पेशल कंपेंसेटरी हिली एरिया अलाउंस 800 रुपये या 300 रुपये डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन, और 7000 रुपीज़ पर मंथ इन सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बॉर्डर एरिया अलाउंस और रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेस 1300, 1100, 1050, 750, 300, 200 रुपये पर मंथ। ये बेसिकली जो है लोकेशन पे डिपेंड करता है, इसकी जो स्पेसिफाइड लोकेशन है, अगर उस लोकेशन के अकॉर्डिंग के लिमिट्स जो हैं बाइफर्केट की गई हैं। स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस 200 रुपीज़ पर मंथ
allowances granted to employees working in transport system. 70% of such allowance, but maximum of 10,000 per month. Children's education allowance, 100 rupees per month up to maximum of 2 children. Allowances for hostel expenditure, 300 per month up to maximum of 2 children. तो ये बेसिकली दो अलाउंसेज है जो कि हाईली यूज होते हैं. ऊपर वाले अलाउंसेज बेसिकली जो है हमारे जैसे बॉर्डर एरिया अलाउंसेज वगैरह ही डिफेंस में ज़्यादा यूज किए जाते हैं. कंपनसेटरी फील अलाउंस 2600 पर मंथ. कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस 1000 पर मंथ. काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज 3900. ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड 3200 per month. Underground allowance 800 per month. High altitude allowance 1060 or 1600 per month. And likewise island allowance is basically 3250 per month. ये जो allowances हैं इसकी कुछ limits जो कि अगर हम देखेंगे limits हैं कितनी limit तक की allowances exempt होते हैं. Any amount exceed beyond this amount is totally exempt. Is totally taxable. Sorry. Now let's see the allowances which are fully taxable. Allowances payable outside India. Allowances are perquisite paid by government to the citizen of India. इसमें important क्या है? Citizen of India. For services rendered outside India is exempt from tax. तो अगर कोई allowance है जो कि आपको किसी government दे रही है किसी citizen of India to services rendered for outside India. ठीक है? और वो जो अलाउंस जो गवर्नमेंट दे रही है फॉर आउटवर्ड सर्विसेज रेंडरिंग आउटसाइड इंडिया टू द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट, तो ये जो टोटली एग्जेम्प्ट होगा आपका. सच अलाउंस परपज शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम अक्रूअल अराइज इन इंडिया, हाउएवर रेजिडेंशियल स्टेटस विल नॉट इफेक्टेड बाय दिस. अलाउंसेस paid to the High Court judges and the allowances paid by government. तो ये जो allowances हैं ये totally fully exempt होते हैं. इसमें कोई limit specified नहीं है तो ये सारे allowances fully exempt category में आते हैं. Now we have seen an over. इसके अलावा जितने allowances हैं these are fully taxable allowances. जो कि exhaustive list मैंने दिखाई थी वो जो कि inclusive list मैंने आपको दिखाई थी उसमें any other allowance भी mention था. तो जो फुली टैक्सेबल पार्शली टैक्सेबल कैटेगरी में जो अलाउंसेस कवर्ड थे उनके अलावा जितने भी अलाउंस थे वीज आर फुली टैक्सेबल. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन सैलरी. फर्स्ट वन इज द पेंशन और एन्युटी. सबसे पहले इन दोनों के मतलब समझते हैं कि पेंशन और एन्युटी का मतलब क्या है. एन्युटी ट्रीटेड एज अ सैलरी and it is any sum payable in respect of any particular year. If person invests some money, entitle him to the series of equal annual sum. Such annual sum would be the annuities in the hands of investor. So annuities basically kya hota hai, ek aisi investment which is made by a person jisme hame annually amount period annually jo hai har saal humko kuch amount receive hota hai. ठीक है, तो वो एनुटीज को बेसिकली उस सम को हम बेसिकली एनुटीज कहते हैं. और ये जो एनुटीज होते हैं दीज आर टैक्सेबल एज सैलरी. एनुटीज जो है हमको एम्प्लॉयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं. ठीक है, या हमें किसी और पर्सन से अदर देन एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं. तो अगर तो हमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिला है ठीक है एनुअली एनुअल सम, अगर हमें एनुअल सम एम्प्लॉयर से मिलता है प्रेजेंट एम्प्लॉयर से देन इट इज़ अ सैलरी. अगर हमें प्रीवियस और फॉर्मर एम्प्लॉयर से अगर हमें कुछ एनुअली मिल रहा है देन इट इज़ अ प्रॉफिट इंडिविजुअल सैलरी. और अगर हमें ऐसे पर्सन से मिल रहा है जिसमें हमारा जो कि हमारा एम्प्लॉयर नहीं है वो जो है उससे मिली भी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज. पेंशन का मतलब क्या होता है? पेंशन बेसिकली वो अमाउंट जो हमें आफ्टर रिटायरमेंट या किसी किसी केस में आफ्टर डेथ, जो हमारे डेथ के केस में क्या होता है वो हमारे जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको अमाउंट मिलता है, पीरियोडिकल अमाउंट मिलता है. और रिटायरमेंट के बाद इफ यू आर अलाइव देन उस पर्सन को
उसको जैसे हमारे भारत सरकार में अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो 60 साल की उम्र के लिए फॉर रिटायरमेंट आफ्टर 60 ईयर्स वट एवर द अमाउंट विच यू विल रेगुलरली गेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इज कॉल्ड एज पेंशन. पेंशन एक बहुत कॉमन वर्ड है, इट इज़ नोन टू एवरी वन. सो पेंशन जो है बेसिकली दो टाइप की होते हैं. इसका पेंशन का मतलब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी टाइप को समझ. कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है कम्यूटेड पेंशन और एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन. अनकम्यूटेड पेंशन वो पेंशन होता है जिसमें हमें रेगुलरली हर महीने या हर साल या हर क्वार्टर एक पीरियोडिकल बेसिस पे जो हमें अमाउंट मिलता है उसे हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब एट द एज ऑफ 60 एंड हिज एम्प्लॉयर इज पेइंग 20,000 पर मंथ एज पेंशन. तो ये जो 20,000 रुपये उसे हर महीने मिल रहा है ये है हमारा अनकम्यूटेड पेंशन. इसमें पीरियोडिकल बेसिस पे थ्रू आउट योर लाइफ जो है एम्प्लॉयर आपको एक फिक्स सम जो है पे करता है उसे हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन. अनकम्यूटेड पेंशन इज रिसीव पीरियोडिकली, इट इज टैक्सेबल फुली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. अब कम्यूटेड और अनकम्यूटेड पेंशन को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन होता है वो करना कि पेंशन चाहे वो कम्यूटेड हो या अनकम्यूटेड उसे रिसीव कौन कर रहा है. उसे रिसीव करने वाला अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या उसको रिसीव करने वाला एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है. तो पेंशन जो है अगर आपने अनकम्यूट करवाया मतलब हर साल आपको पीरियोडिकल बेसिस पे मिल रहा है तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो दोनों ही केस में आपके हाथ में टैक्सेबल होगा एज एंड टैक्सेबल इन द हेड ऑफ सैलरी. अब बात करते हैं अनकम्यूटेड, अब बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की. कम्यूटेड पेंशन में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयर पेइंग यू अ रेगुलर अमाउंट पीरियोडिकली वो आपको एक लमसम अमाउंट पे कर देता है जिसमें क्या होता है आपको अमाउंट पेंशन जो है पीरियोडिकली नहीं मिलता. अब कम्यूट आप अपनी 100% पेंशन भी करवा सकते हो या पार्शली भी करवा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मेरी 50% पेंशन, जैसे पेंशन का अमाउंट जो मेरे एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया है 20,000 पर मंथ, तो मैंने कहा कि मेरी 50% जो पेंशन है वो आप कम्यूट कर दीजिए. उसका जो 10,000 के हिसाब से वट एवर अमाउंट इज बीन कैलकुलेटेड 50% अमाउंट जो है कम्यूट करवा लेता हूँ. बैलेंस जो है 10,000 वो जो है हर साल हर महीने या पीरियोडिकल बेसिस पे एम्प्लॉयर आपको पे करता रहेगा. तो जो आपको 50% का कम्यूट अमाउंट मिला है उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा और जो 10,000 जो बैलेंस 50% है उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा. जो 50,000 जो अनकम्यूट हुआ जो कि आपको रेगुलरली मिलेगा वो तो नॉर्मल टैक्स में लगेगा, लेकिन जो आपने कम्यूट करवाया आप इसके दो केसेस हैं. आइदर आपने पूरा 50% करवाया है तो सर्टेन सम करवाया है सर्टेन परसेंटेज करवाया या पूरा का पूरा पेंशन अमाउंट कम्यूट करवाया. तो इसकी दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं. अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ठीक है तो आपके हाथ में कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होगा. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या मेंबर ऑफ डिफेंस, तो ये सारे कुछ एम्प्लॉयर्स हैं. अगर आपके एम्प्लॉयर्स इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं देन आप पेंशन अगर कम्यूट करवाते हो तो फुली एग्जेम्प्ट है. इसके अलावा इफ योर एम्प्लॉयर इज अदर एम्प्लॉयज देन फॉलोइंग अमाउंट शुड बी एग्जेम्प्ट. तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है. अब इसके भी दो सर्कमस्टांस दो क्लासिफिकेशन हैं. पहला आपको ग्रेजुटी मिल रही है या आपको ग्रेजुटी नहीं मिल रही ठीक है. इफ द एम्प्लॉई इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेजुटी और द एम्प्लॉई इज नॉट रिसिप्ट ऑफ द ग्रेजुटी. ग्रेजुटी क्या होती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ. लेकिन जब आप पेंशन को कम्यूट करवाते हो और आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो दो क्लासिफिकेशन, इफ यू आर इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेजुटी देन एग्जेम्पशन वुड बी वन थर्ड ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाई
computation percentage into 100. If the employee does not receive any gratuity, then half percentage of computed pension divided by commutation percentage into 100. तो ये formula है pension को commute करने का in case you are a non-government employee and if you are covered in the gratuity or if you are not covered in the gratuity. तो gratuity का भी हमने पढ़ा, gratuity होती क्या है? Now let's see. Gratuity is a voluntary payment made by employer in appreciation of services rendered by employee. तो gratuity क्या होता है? आजकल की डेट में gratuity हर employer ही अपने employee को देता है, कुछ एक certain percentage of sum होता है और gratuity normally 5 years के बाद जो है accrue होती है. अगर आप continuous सर्विस कर रहे हो 5 साल किसी भी employer के पास में, तो 5 साल के बाद normally ये 4 years 10 months से स्टार्ट होते हैं, किसी किसी सर्कल चाहे 4 years 8 months से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो accrue करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. लेकिन मेन फंडा क्या है कि अगर आपने 5 साल तक एम्प्लॉयर के पास सर्विसेज रेंडर करनी है, तो 5वें साल से वो आपके लिए ग्रेजुएटी के लिए अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, ठीक है. और बेसिकली एप्रिसिएशन है एक एम्प्लॉयर की तरफ से टूवर्ड्स एम्प्लॉय, ठीक है. अब टाइप ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएटी देखते हैं. अब ग्रेजुएटी के केस में हमें सबसे पहले देखना है कि वो हमें ड्यूरिंग द एम्प्लॉई ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ के बाद में ग्रेजुएटी होता है, ठीक है. अगर तो हमें ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विसेज ग्रेजुएटी मिल रहा है, तो आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, दोनों ही केसेस में आपके पास ये टैक्सेबल हो, ठीक है. बट ग्रेजुएटी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, फर्स्ट बाय द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज और लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा इज फुली एग्जम्प्ट. मतलब गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज को एग्जम्प्ट कर रही है, चाहे वो पेंशन हो चाहे वो ग्रेजुएटी. सेकेंड बाय अदर एम्प्लॉयज. अब इसमें भी दो केसेस होते हैं. पहला जो एग्जम्प्शन है कि आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर होते हो या पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं होते, ठीक है. जो भी ग्रेजुएटी का फंड है, वो फंड अगर इन अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के अकॉर्डिंग है, तब आपके लिए पहली कंडीशन ये कंडीशन अप्लाई होंगी फॉर एग्जम्प्शन. अगर नॉट कवर्ड है तो ये कंडीशन अप्लाई होंगी. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले इफ यू आर कवर्ड इन द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जम्प्ट. फर्स्ट इज 20 लाख. ग्रेजुएटी एक्चुअली रिसीव 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. मतलब जब एक्सेस ऑफ 6 मंथ हुआ तभी उसको एक कम्प्लीट ईयर माना जाएगा, ठीक है. सो सैलरी मीन्स, सैलरी का यहाँ पे मतलब क्या है? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस ड्यूरेंस अलाउंस और नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26. जब आप फॉर्मल निकालोगे फिर तो आप करोगे 15 / 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. सो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू कैलकुलेट. सेकेंड केस इज इफ योर एम्प्लॉयर इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, the least of the following would be exempt. First is 10 lakh gratuity actually received, half month salary based on the last 10 month average salary immediately preceding the month of retirement or death. For each completed year services fractions to be ignored. मतलब अगर आपने suppose 5 साल 10 महीने काम किया, तो अगर आप payment of gratuity act में cover नहीं, तो number of completed years आपके 5 ही माने जाएंगे, फ्रैक्शंस को इग्नोर करें. तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एनकरेज कर रही है कि आपका जो एम्प्लॉयर है इट शुड कवर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, ओके. और सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डेरेंस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एंड कमीशन एक्सप्रेस इन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. Now let's move forward and talk about the leave salary, leave encashment.
लीव इन कैश में बेसिकली क्या होता है, अब आपने देखा होगी हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को सर्टेन नंबर ऑफ लीव्स हर ईयर अलाउ करता है जो कि पेड लीव होती है, ठीक है। वो लीव्स चाहे तो आप अवेल कर सकते हो, और अगर आपने लीव्स अवेल नहीं करी हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयर आपको हर साल या तो उसको एनकैश कर सकता है या उसको एक्युमुलेट कर सकता है, एंड इट विल बी पेड एट द टाइम ऑफ व्हेन यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ। तो लीव सैलरी, ठीक है, लीव सैलरी को पढ़ते बेसिकली क्या होता है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो लीव सैलरी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव जो है गवर्नमेंट हमको अलाउ करती है 30 डेज की बात करती है। तो आप देखोगे तो आपकी पेड लीव होगी वो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन 30 डेज ही रखते हैं, कई लोग कम भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लीव आपको दे रहा है 30 डेज से ज़्यादा लीव दे रहा है देन मैक्सिमम जो कैप है वो 30 लीव्स का ही रखा गया है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन, सॉरी द मीनिंग, एम्प्लॉयज आर अलाउड लीव ड्यूरिंग सर्विसेज, सम मे बी अवेल्ड, सम मे बी लैप, सम लीव्स आर एक्युमुलेटेड फॉर फ्यूचर और सम लीव्स आर इनकैश एवरी ईयर। तो एम्प्लॉयर है कई एम्प्लॉयज क्या करते हैं, सब लीव सैलरी को एक्यूमुलेट करते हैं हर साल लीव्स को एक्यूमुलेट करते रहते हैं। कुछ एम्प्लॉयर जबकि साल एंड होता है उसी साल की स्टार्टिंग, साल के ख़त्म होने के साथ ही जितनी भी लीव्स आपकी पेंडिंग होती है उसको इनकैश करते हैं। तो इट्स अप टू द एम्प्लॉयर कि वो किस तरीके से आपकी लीव्स को पे कर सकते हैं। अब टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव सैलरी की बात करते हैं, लीव सैलरी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विसेज इज फुली टैक्सेबल फॉर ऑल। अगर आपको लीव सैलरी ड्यूरिंग द सर्विसेज मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है सभी के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे आपके नॉन चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। लेकिन लीव सैलरी रिटायरमेंट में मिल गई आप एंड इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई देन इट्स फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो आप चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी हो आपकी या आपकी पेंशन हो या लीव सैलरी हो, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आँख बंद करके उसको एग्जाम कर लिया, ठीक है। अगर आपका अदर एम्प्लॉई है देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जाम। तो क्या कंडीशन है, मैक्सिमम थ्री लाख की आपको डिडक्शन मिलेगी, सॉरी एग्जम्पशन मिलेगा। लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव 10 months सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 months, कैश इक्विवेलेंट of the leave based on the 10-month average salary immediately preceding the date of retirement to the credit of employee at the time of retirement or death, leaves, earned leaves cannot exceed 30 days for each year of actual service. As I told, maximum जो leave salary जो मिलती है वो 30 days की ही मिलती है, 30 days से कम है then less than 30 days इसको count करेंगे, अगर 30 days से ज़्यादा तो maximum 30 days ही काउंट करा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड इज अ स्कीम विच इज इंटेंडेड टू गिव सब्सटैंशियल बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो अब आप देखो प्रोविडेंट फंड जो है ये सबको पता है कि उसकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड कटता है हर महीने, और हर महीने एम्प्लॉयर भी आपका कंट्रीब्यूट करता है, उसकी परसेंटेज भी आप सबको पता होगी 12% एंड मैक्सिमम 12%। तो 12% आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है और 12% एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इन योर पीएफ, ठीक है। और ये पीएफ का जो पैसा है वो आपकी रिटायरमेंट के बाद जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में स्टैंड करता है दैट अमाउंट शैल बी पेबल टू द इनकम। अब पेंशन में बेसिकली क्या क्या कॉम्पोनेंट, जो आपका क्रेडिट बैलेंस जो आपको दिखता है अपने पी एफ अकाउंट में उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स बेसिकली होंगे, एक तो आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन जिसको हम इम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, सेकेंडली इम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो चार कॉम्पोनेंट्स होंगे, इम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज employer contribution and fourth is interest on employer contribution। तो ये चार components basically आपके PF account की credit balance में होते हैं। अब move करते हैं और देखते हैं provident fund की types क्या क्या, this is very important। तो there are four types of the provident fund, first one is recognized provident fund जिसको हम RPF बोलते हैं। ये कौन सा fund होता है, simple
which is recognized by CIT, Commissioner of Income Tax. Unrecognized provident fund is from URPF bolte, that is that fund which is not recognized by CIT. Statutory provident fund means fund which is governed by Provident Fund Act 1925. Public provident fund PPF, सबको पता है PPF एक ऐसा अकाउंट है जो आप किसी भी बैंक के साथ आप जो भी बैंक प्रोवाइड करते हैं PF अकाउंट मेंटेन करते हैं वहाँ पे रहते हैं, एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह ओपन होता है, ठीक है, और आप उसमें हर साल या कुछ पीरियोडिक पेमेंट्स में किसी किसी बैंक में मैक्सिमम 6 टाइम्स यू कैन डिपॉजिट, और इसका आप डिडक्शन लेते हो, क्लेम करते हो PPF के अंदर. एवरी वन इज नोन अबाउट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है. बेसिकली प्रोविडेंट फंड जो है वो सूट किसको बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं जिन्होंने जो नॉर्मली बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, उनके लिए बहुत वेल सूटेड प्रोविडेंट फंड है. बिकॉज यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपके आप भी हर साल और हर महीने कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, आपका एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है. लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो देन नो वन गोइंग टू सेव और नो वन गोइंग टू सेव एज प्रोविडेंट फंड फॉर यू, नॉट यू आर द एम्प्लॉयर ऑफ योर ओन. तो आप वैसा एक अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जिसमें सिमिलर उसका नेचर है प्रोविडेंट फंड ही है, लेकिन दैट इज अ पब्लिक प्रोविडेंट. यहाँ पे आप खुद अपने लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, सो व्हाट टाइप ऑफ अमाउंट यू विल गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इट्स विल बी योर बैलेंस, दैट बैलेंस शैल बी स्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ द प्रोविडेंट फंड. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द टैक्सेबिलिटी ऑफ द प्रोविडेंट फंड्स ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, ठीक है. अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड में तो आपके पास में तीन चीज़ें होंगी, एक तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, इंटरेस्ट का क्या होगा. तो अगर आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो 12% से ऊपर अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करे देन इट विल बी टैक्सेबल, ठीक है. एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी होगा 12% हो, नॉर्मली 12% होता है, लेकिन जितना भी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जा रहा है उसकी सैलरी से डिडक्ट करा जा रहा है और पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, दैट एंटायर अमाउंट इज टैक्स इज एग्जेम्प्ट इज सॉरी इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आपको डिडक्शन मिलता है. लेकिन अगर एम्प्लॉय ने 12% से ज़्यादा आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया प्रोविडेंट फंड अकाउंट, तो जो एक्सेस अमाउंट उसने सबमिट करा वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल होगा. और जो इंटरेस्ट है जो प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट देता है, अगर उसे 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया आपको तो दैट इंटरेस्ट एक्सेस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल. नॉर्मली अभी 8.2% है, 8% की रेंज में है, 8-9% की रेंज में है अभी, नॉर्मली 9.5 तो आता ही नहीं है. लेकिन अगर 9.5 से ज़्यादा पीएफ अथॉरिटी आपको जो है इंटरेस्ट दे रही है देन इट विल बी टैक्सेबल. सेम फॉर द यू आर पी एफ मीन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल टैक्सेबल नहीं होता और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी अंडर 80C. इंटरेस्ट क्रेडिट नॉट टैक्सेबल एवरी ईयर. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो फुली एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन मिलता है 80C में और इंटरेस्ट क्रेडिट फुली एग्जेम्प्ट. पी पी एफ में एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं क्योंकि आप खुद अपने लिए सबमिट अपने लिए जमा कराते हो पैसा, तो यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता. डिडक्शन 80C में मिलती है, ठीक है, और फुली एग्जेम्प्ट है उसका इंटरेस्ट. अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देखते हैं, इन केस ऑफ आरपीएफ एसपीएफ एंड पीपीएफ एनी पेमेंट रिसीव वुड बी फुली एग्जेम्प्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. इन केस ऑफ आरपीएफ आरपीएफ के केस में अगर एम्प्लॉई ने कॉन्टिन्यूस सर्विस रेंडर करा फॉर 5 ईयर्स और टर्मिनेट करा गया उसको ड्यू टू इल हेल्थ, जैसे एक वर्कर है ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंट उसके कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ऐसा कोई केस है, ठीक है, या बिजनेस परमानेंटली बंद हो गया या फिर स्पेसिफिक यूनिट जहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे वो स्पेसिफिक यूनिट बंद कर दिया है एम्प्लॉय ने, तो ऐसे केसेस में अगर आपको कुछ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिलता है तो वो फुली एग्जेम्प्ट है. इन केस ऑफ और एक और भी केस है, अगर सपोज आपने
एक एम्प्लॉयर से जॉब छोड़ के एम्प्लॉयर चेंज करा दो, एक कंपनी से जॉब छोड़ के आप दूसरे कंपनी में गए हो और दोनों कंपनी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है, और आपने एक प्रोविडेंट फंड का बैलेंस ट्रांसफर करा दूसरे एम्प्लॉयर के रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, द बैलेंस ऑफ वन एम्प्लॉयर इज ट्रांसफर टू द बैलेंस ऑफ अनदर अकाउंट अनदर एम्प्लॉयर देन, और दोनों रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो जाते हैं, इस केस में भी आपका टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जेम्प्शन मिलेगा आपको कैसे, क्योंकि जब आप 5 साल का कॉन्टिन्यूस पीरियड निकालोगे तो जो पुराने एम्प्लॉयर के पास था आपने जितने के पीरियड के लिए उसको होल्ड करके रखा उस अमाउंट को, ठीक है, वो पीरियड भी कैलकुलेट होगा, मतलब अगर दोनों का पीरियड मिलाकर 5 साल से एक्सीड कर रहा है देन इट विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। इन केस ऑफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, कोई डिडक्शन नहीं मिलता है किसी में एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन को, तो उस पर आप पहले ही टैक्स दे चुके हो, तो दोबारा उस पर टैक्स जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मैच्योरिटी पे नहीं लेगी गवर्नमेंट आपसे। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज टैक्स एड सैलरी। So in this way we have completed the important concepts of salary. It's a very very important if you are a salary employee. तो अगर आप student हैं salary employee हैं तो ये सारे concepts बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए देखना। In this way I hope you like this video. Please in case you have any question, any query, please you can reach out by following me. How? You can write us email on info@taxationinside.in. You can also log in to our website www.taxationinside.in. I must encourage you, must go to this website, subscribe for the newsletter and stay updated. So, यहाँ पर कोई भी institute, ICI ने कोई notification जारी किया है, कोई direct tax का notification आया है, कोई GST का कोई notification आया है, तो ऐसे कोई भी तमाम notification जो है आपको अगर अपने आप को इससे updated रखना चाहते हैं then you must subscribe to our newsletters, updates and keep yourself updated. और अगर आप हमें WhatsApp पे भी कोई नहीं भेज सकते हैं, इट्स आवर WhatsApp नंबर इज 9390667709 एंड स्टे ट्यून्ड, जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।